फिल्म के एक सीन में हीरो एक ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पे फर्श से लेके छत को छूती खिड़की से बाहर देख रहा होता है। वो विचारों के किसी उधेड़बुन में लगा होता है और उसके हाथ में एक ऑरेंज जूस का गिलास होता है। इस सीन ने मेरे जहन में बिठा दिया कि भाई कामयाबी दिखती है तो ऐसी एक बड़ी समस्या, उस पर विचारने के लिए एक ऊंची इमारत की बड़ी सी खिड़की और हाथ में एक ऑरेंज जूस का गिलास। कुछ सालों बाद अपने जहन में बसे इस सीन को मुझे हकीकत में दोहराने का मौका मिला। काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया हुआ था। मध्यम वर्गीय भारतीयों के पास समस्याओं की तो कोई कमी होती नहीं, तो समय निकाल मैं भी होटल की खिड़की से बाहर टकटकी लगा के देखने लगा। लेकिन सीन ऑरेंज जूस के बिना थोड़ा अधूरा सा था, तो होटल के फ्रिज से जूस गिलास में उड़ेल मैंने गिलास थाम लिया। लेकिन फिर भी सक्सेस वाली फील आ नहीं रही थी, बल्कि झुंझलाहट अलग हो रही थी कि यार अगर नीचे से जूस खरीदा होता तो होटल के मुकाबले सस्ता पड़ता। फिर दिमाग में एक बल्ब सा जला कि शायद फिल्म और हकीकत में कोई फर्क है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक का। लेकिन म्यूजिक लगाने के बाद भी ना तो सक्सेस वाली फीलिंग आनी थी और ना ही आई। और ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्में और एडवर्टाइजमेंट हमारे दिमाग की वायरिंग बदल देते हैं। हम में से कौन खुश होने के लिए कुछ दोस्त थोड़ी कामयाबी आजादी नहीं चाहता, पर मीडिया इन ख्वाहिशों को हाईजैक कर दोस्तों के साथ बिताए समय को सिगरेट शराब से जोड़ देता है, कामयाबी को ऊंची इमारतों से, और मीडिया की माने तो आजादी तो सिर्फ कच्ची सड़कों पे एक एसयूवी दौड़ाने में है। मीडिया की इंजेक्टेड चाहते हमारी चाहतों को इस कदर इन्फेक्ट कर देती हैं कि बड़े होते होते हम भूल जाते हैं कि एसयूवी तो हमारे लिए आजादी का एक प्रतीक मात्र था। बजाय कि हम कहें कि हम आजादी चाहते हैं, अब हम कहते हैं कि हम एसयूवी चाहते हैं, और इसी एसयूवी की डाउन पेमेंट और ईएमआई के लिए हम अपनी आजादी को बेच आते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम तो बस खुशी चाहते थे। बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, ये सब तो कंपनियां चाहती थी कि हम चाहें। हम पैसा कमाने और खर्चने की ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं, पर खुशी हमेशा हमारी पहुंच से आईफोन की तरह बस एक वर्जन दूर रह जाती है। तो कई लोग ये बात समझ के ट्रेडमिल से उतर जाते हैं और कई एक झटका लगने पे इससे धकेले जाते हैं, जैसा कि कोरोना काल में हम में से कई लोगों के साथ हुआ। दौड़ते दौड़ते अचानक थम जाना थोड़ा अटपटा सा लगता है, तो जो लोग इस बात को झेल नहीं पाए वो वापस उसी ट्रेडमिल पे चढ़ गए। पर खुशी पाने का चांस उन्हीं लोगों को मिला जो इस समय को झेल गए और आसपास भटक के उन्होंने एक नए रास्ते की तलाश करी। अब खुशी के रास्ते पे हो सकता है आप तेज चल पाए या धीरे, पर ट्रेडमिल पे भागते हुए एक जगह खड़े रह जाने से तो वो चलना किसी भी दिन बेहतर है।